ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आज मुझे कुछ चाइना इशू के बारे में कहना है। मतलब ये कि चाइना इशू को मुझे थोड़ा हिस्ट्री के साथ रिलेट करना है। ब्रिटिश इंडिया जब से मतलब 1835 ब्रिटिश का शासनकाल से ही मतलब साइंस की प्रोग्रेस जब शुरू हुआ, साइंस हम लोगों को क्या सिखाया, जिज्ञासु बनाया, मतलब क्वेश्चन करवाना सिखाया। तो इससे क्या हुआ, मतलब साइंस के पीछे हम चल पड़े। तो ठीक है, ये बात भी ठीक है, साइंस हम लोगों को प्रोग्रेस की तरफ ले जाते हैं और इस प्रोग्रेस के चक्कर में हम लोग सोशल साइंस को भूल गए। मतलब यानी कि ह्यूमैनिटीज़ को हम भूल गए। साइंस तो हमको क्वेश्चन करवाना सिखाता है, मगर सोशल साइंस, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ हमको जीवन में कैसे सुधार लानी है, सोसाइटी में कैसे सुधार लानी है, कंट्री में कैसे सुधार लानी है, ये सिखलाता है। मतलब हिस्ट्री को देखे बिना हम ये जान ही नहीं सकते कि देश में सुधार और ज़िंदगी में सुधार और सोसाइटी में सुधार कैसे संभव। मतलब हम आज चाइना का इशू चल रहा है तो फेसबुक पे बहुत चल रहा है कि चाइना बैकआउट करो, और उसके साथ ये भी तो लिखना चाहिए ना, हम चाइना बैकेट के साथ हम खुद का भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, खुद का भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे खुद के दम पर। ये थोड़ा सा बात मैंने रखा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।